ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुणरहितम तस्यमस्यादिलक्ष्यम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के छठवें अध्याय का 30वां श्लोक ले रहे हैं और यह जो श्लोक है इस श्लोक में ऐसा है कि यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यः मां पश्यति सर्वतः सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सः च मे न प्रणश्यति। यह यानी जो पुरुष माम यानी मुझको पश्यन्ति यानी देखता है सर्व सर्वम यानी सब में च यानी और मई मुझ वासुदेव के अंतर्गत मेरे अंतर्गत पश्यति यानी देखता है सबको तस्य उस पुरुष को अहम यानी मैं न प्रणश्यामि मैं उसको उसके सामने अदृश्य नहीं होता न प्रणश्यामि अदृश्य नहीं होता सच में न प्रणश्यति और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और सर्वभूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत ब्रह्मांड और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक और एकमात्र उन्हीं के शरीर में ये आकाश गंगाएं बसी हुई हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में इस जगत में आए और जो हम इस हर श्लोक के पहले कहते हैं उसी का प्रमाण यहाँ भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है जो मनुष्य सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है ऐसा मनुष्य जो है उसके लिए मैं कभी गायब नहीं होता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उन्हीं के शरीर में यह जगत बसा हुआ है जैसे रामचरितमानस में कहा है कि रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड रामचरितमानस में कहा है जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियगंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे उनके रोम रोम में ब्रह्मांड रम रहे हैं बस रहे हैं और वो रोम रोम में रमने वाले राम है।
किसी फिल्मकार ने अनजाने में ये गीत बना दिया, भजन बनाया कि ओ राम राम में रमने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू। भगवान रोम रोम में रमे हैं और उनके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड रमे हुए। भगवान रोम रोम में रमे हैं और उनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड रमे हुए। बात एक रैसी प्रोगल है, जगत उनमें है और वो जगत में। भगवान में जगत है और जगत उनमें है। एक बहुत प्यारी सी बात है, एक हमराज नाम की एक पिक्चर आई थी, जब बहुत पहले की बात है, करीब इस बात को 50 वर्ष के आसपास हो गए, 50 वर्ष पहले एक पिक्चर बनी थी, उसका नाम था हमराज और उसमें एक गीत था। गीत के बोल ऐसे थे, वो तो जिसने ये गीत लिखा था उस व्यक्ति को तो मालूम नहीं, लेकिन जो ज्ञानी है उसका उपयोग कर सकते हैं। गीत के बोल थे कि तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, मैं इसके आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। ये सारा जगत परमात्मा में है और परमात्मा जगत में है, इसीलिए तो नानक ने कहा कि गुरु समाना शिष्य में और शिष्य लिया करने, बल गाए बल गे नहीं एक प्राण दो देह। ये परमात्मा हमारे सदगुरु हैं और वो इस संपूर्ण जगत में समाये हुए हैं, और जब वो संपूर्ण जगत में समाये तो वो हम में भी समाये। सागर की मछली में भी सागर होता है और सागर के बाहर भी सागर होता है, इसलिए परमात्मा वो हमारा इश्क है, हमारा प्यार है, हमारा प्रेम है। और ये हुस्न पूरा, ये प्रकृति जो है वो परमात्मा की सुंदरता है, परमात्मा की सुंदरता। ये फूलों में खुशबू, ये झरनों की आवाज, ये नदियों का कलकल होना, ये पांच भूत से बना हुआ शरीर, ये परमात्मा का अद्वितीय सौंदर्य है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के प्रमाण अपने को बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे। जब भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जो रम रहा है सारे जगत में ये राम है, रमयंति इति रामा। तो जो सच्चिदानंद परमात्मा है, जिसको कि कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, जिसके विस्तार का और छोर नहीं है, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा श्री हरि इस गीता के इन गूढ़ श्लोकों का प्रवक्ता है। उन्होंने कहा है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं। बहुत से मूर्ख हमसे फेसबुक पर इंटरनेट पर पूछते हैं गीता किसने लिखी, गीता किसी ने लिखी नहीं, गीता भगवान ने बोली और संजय ने सुनी, और संजय ने सुनी गीता तो कुछ दिव्य महापुरुषों ने भी सुनी, नारद आदि ऋषियों ने सुनी, व्यास आदि ऋषियों ने सुनी, और भगवान वेद व्यास ने गीता लिखी होगी अवश्य ही अवश्य, भगवान वेद व्यास ने गीता को लिखा होगा। तो ये गीता जो है, गीता के जो एक मिनट मैं जोड़ लूं इसको, गीता को लिखा है तो भगवान की कृपा से, या तो भगवान वेद व्यास ने लिखा है और संजय ने इसे सुना है, तो हमारे प्राचीन काल में एक स्मृति और श्रुति करके
साहित्य हुआ करता था। पहले कागज पेन तो हुआ नहीं करते थे, कागज आगज तो होते नहीं थे। ये लाखों वर्ष पुरानी बात है, गीता कोई भगवान ने अभी बोली है और अभी है गीता, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि मैंने कल्प के आदि में इसको इसको जो है सूर्य को दिया, और सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, वैश्वस्त मनु को दिया। तो भगवान इसमें इस सूत्र में बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। भगवान इस सूत्र में जो उन्होंने 29वें सूत्र में कहा है उसी का पूरक कह रहे हैं। भगवान इस सूत्र में उन्होंने जो 29वें सूत्र में भगवान ने कहा है उसका पूरक कह रहे हैं, उसका कंप्लीमेंट है, जो व्यापक सर्वत्र समदर्शन में स्थित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। ये वो प्रेम नहीं है जो तुम्हारे संसार का लव लवेरिया वाला है, वो नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि अफसाना मोहब्बत का अधना सा फसाना है, और सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। अगर किसी से तुम प्रेम करते हो आशिक माशूक का, तो 5 फुट के शरीर में तुम्हारा प्रेम सिमट के रह जाता है। तो सिमटे तो दिले आशिक, अगर ये प्रेम सीमित हो जाए, अगर ये प्रेम एक छोटे नाल एक छोटे से खड्डे में पन भरा हुआ पानी के समान हो जाए तो सड़ जाता है। सिमटे तो दिले आशिक, आशिक माशूका का जो प्रेम है वो सड़ जाता है। ऐसा नहीं समझना, मैं आप लोगों के आजकल के आशिक माशूका की बात कर रहा हूं, मैं लैला मजनू की बात नहीं कर रहा हूं। लैला मजनू का प्रेम तो डिवाइन था। तो सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। अगर यही प्रेम पूरे संसार में फैल जाए तो यह प्रेम परमात्मा हो जाता है। जैसे एक रुपए का सिक्का कोई खास मूल्य नहीं रखता है, लेकिन यदि एक एक रुपए के खरबों सिक्के हो जाए तो बड़ा मूल्य रखता है। यदि तुम्हारा प्रेम सारे संसार में फैल जाए तो फैले तो जमाना है। और वो कहते हैं यह इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए। ये जो इश्क की बात कर रहे हैं वो इतना आसान इश्क नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के समुद्र में डूब के जाने का मतलब यह है कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, यह ज्ञान की अग्नि है। इस ज्ञान की अग्नि के समुद्र में आपको डूबना है, तब आपका शरीर, आपका इंद्रिया, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति, आपका चित्त, आपका अहंकार संपूर्ण रूप से भस्म हो जाता है, और फिर आप ज्ञान स्वरूप निज बोध युक्तम हो जाते हैं। आप ज्ञान के स्वरूप में ही रूपांतरित हो जाते हैं। यह श्लोक ऐसी बात कह रहा है। यह श्लोक कह रहा है कि जो साधक सर्वत्र समदर्शन की स्थिति में आ जाता है उसके लिए परमात्मा सदैव हर जगह मौजूद होता है। जहां भी देखूं, जिधर भी देखूं, बस तू ही तू समा रहा है। गगन में तू है, पवन में तू है, फूलों में तू मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की सुंदरता बिखरी पड़ी है, लेकिन आत्मज्ञानी को दिखती है, आपको नहीं दिख सकती। जिसकी आंखें साफ हो वो देख सकता है, जो आंखों में मोतिया बंद हो, जाला हो, वो जाले वाला इंसान नहीं देख सकता है। मुझे एक चुटकुला याद आया। एक बार एक व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो गई कि वो एक की जगह दो आदमी देखता था, तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास गया, आंख वाले डॉक्टर के पास गया। तो आंख वाले डॉक्टर से कहा के आंख वाले डॉक्टर का कंपाउंडर बैठा था, तो कंपाउंडर से कहा कि भैया मेरा नंबर लगा लो, आंख दिखाना। बोले बैठो, अभी डॉक्टर साहब आने वाले। तो उसने सोचा ये पहला ही तो पेशेंट है, तो इसको डॉक्टर के चेंबर में बिठा दिया।
डॉक्टर साहब आए और जैसे ही चैम्बर में घुसे तो जोर से चिल्ला के कंपाउंडर को डांटा, तुझको शर्म नहीं आती? तू एक एक बार में चार चार आदमी मेरे कैबिन में घुसेड़ देता है। कंपाउंडर तो हैरान रह गया और मरीज जो है वो भी हैरान रह गया कि उसको तो दो ही डॉक्टर दिख रहे थे लेकिन डॉक्टर को चार दिख रहे थे। तो ऐसे जो तुम्हारे मोतियाबिंद वाले जो लोग हैं, कांच बिंद वाले जो लोग हैं, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं और जगत के स्वप्नों में जो अंधे लोग हैं, उनको कुछ का कुछ ही दिख रहा है, कुछ का कुछ ही दिख रहा है। उनको परमात्मा के अलावा सब कुछ दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा। परमात्मा के अलावा तो सब देख सकते हैं वो, उनके सामने परमात्मा के अलावा तो सब मूल्यवान है। भोले बाबा कहते हैं कि दर्पण भवन कुत्ता घुसा, सब स्वान ही दिखलाए हैं, निज रूप को लख भौंकता, बस भौंकता मर जाए हैं। ऐसे संसार का जो संसार है ये कांच का दर्पण का महल है और आप उसमें जीव जो घुस गया उसके अंदर अज्ञानी, वो कुत्ते के समान है जीव, और उसको सब अपना ही रूप दिखता है, जैसा वो छल कपटी ऐसे सब में छल कपटी दिखते हैं, और वो अपने आप से लड़ता लड़ता ही मर जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो कुत्ता नहीं होता, वो हंस परमहंस होता है, वो ऐसे चक्कर में नहीं फंसता है। तो जो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा की मौजूदगी तभी दिखाई देती है जब हम उस तत्व को अपने अंदर जान लेते हैं। एक और उदाहरण आता है कि आप सुनार के पास जाओ और अपना एक गहना बेचने जाओ, उस गहने पे चांद सितारे और बढ़िया बढ़िया डिजाइन मड़ी हो, और तुम गाते हुए जाओ गुनगुनाते हुए, चांद सितारों सा आरमा हो हमारा, है ना, और कह रहे वाह क्या बात है, क्या सुंदर गहना है, वाह वाह वाह। और जब तुम सुनार के पास जाओगे तो वो तुम्हारा जो सुंदर गहना है उसकी डिजाइन नहीं देखेगा, वो तो देखेगा कि इसमें कितने तोला सोना है और कितना इसमें टाका है। तो वो कहेगा कि भैया मैं आपको पैसे दूंगा, मैं जरा इसकी कसौटी कर लूं, और कहो तो फिर मैं इसको गला लूं, आप कहें तो मैं इसको गला लूं। तो फिर क्या होगा, ऐसे ही तुम्हारी स्थिति है कि परमहंस नहीं देखते कि तुम स्त्री हो के पुरुष हो के सुंदर हो के काले हो के गोरे हो के अमीर हो के कलेक्टर हो के चपरासी हो के प्रधानमंत्री हो के कोई भी मंत्री हो, वो नहीं देखते। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि तुम्हारा आत्म स्वरूप, और वो तुमको अपना आत्म स्वरूप सब जगह दिखाना सिखाते हैं। तो आत्मा ही आत्मा, परमात्मा ही परमात्मा उसे सब जगह दिखाई देता है, उसको परमात्मा ही परमात्मा सारी जगह दिखाई देता है, सब जगह दिखाई देता है उसको परमात्मा ही परमात्मा। और भगवत्ता में प्रतिष्ठित वह महापुरुष ऐसे अमृत के समान मीठे और अमृत के समान गुणकारी और अमृत के समान अमरता देने वाले वचन बोल सकता है कि जो शिष्य को संपूर्ण भूत प्राणियों में जड़ और चेतन सभी में मुझ सिर्फ आत्मा चैतन्य सच्चिदानंद को दिखा देता है सदगुरु, तो उसके लिए तो मैं भैया सब जगह मौजूद हूं। और जब मैं सब जगह मौजूद हूं तो उसके अंदर भी मैं मौजूद हूं, सबसे पहले तो अपने अंदर ही देखता है ना मुझे। इसलिए भगवान कहते हैं तास्य अहम् न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, सच में न प्रणश्यति, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं, गुरु और शिष्य दोनों की एकता हो जाती है, और दोनों मिलकर इतने एक हो जाते हैं जैसे बूंद को सागर से अलग नहीं कर सकते और सागर को बूंद से अलग नहीं कर सकते। यदि वो बूंद सागर में है तो बूंद समानी सिंधु में, जीव ही शिव हो जाता है। हमारे संतों ने इसी स्थिति को कई तरह से समझाया है, व्यक्त किया है। वास्तविक बात तो यह है कि आत्मबोध प्राप्त हो जाने पर
परमात्मा की उपस्थिति के अलावा कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता। जगत की भ्रांति टूट जाती है। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि आत्मज्ञान के बाद क्या होता है, आत्मज्ञान के बाद क्या होता है। मैं कहता हूं सुनो, प्रवचन सुनो, आपके उत्तर मिलेंगे। आज वो उत्तर है जो सब पूछते हैं, आत्मज्ञान के बाद क्या होता है। आत्मज्ञान के बाद कोई आप मर नहीं जाते हो, आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है और आप सब जगह परमात्मा को देखते हो, तब आपका आनंद की अवस्था प्रारंभ होती है। तब आप की जिंदगी में और जो शहद है जीवन का, मधु है शहद का, जीवन का जो मधु है, जीवन की जो मिठास है, वो मिठास आपके अंदर प्रकट होती है और आप उस आनंद के इस झरने में नहाकर अमर और अजर हो जाते हो। और वास्तविक बात तो ये है कि जैसे ही तुम्हारी ये जगत की भ्रांति टूटी, तभी एकांत का उदय होता है। तब कैसा होता है? तब जैसा गुरु गीता में लिखा हुआ है कि वहां न ठहरे कोई और शांति और आनंद के सिवा न ठहरे कोई, वहां शांति और आनंद की बरसात हमेशा होती रहती है तुम्हारे ऊपर। और तब एकांत का उदय होता है, नहीं एक का भी अंत हो जाता है, एक अंत एक का भी अंत हो जाता है, एक भी नहीं रहता, समझे? तब कैसे हो जाते हो? बिन प्रपंच नित शांत है सब आलंबनहीन। सारे प्रपंच चले जाएंगे और सारे आलंबन चले जाएंगे, आपको किसी के आलंब की जरूरत नहीं होगी, निरालंब हो जाएंगे आप, निरालंब हो जाएंगे आप। परमात्मा होकर आप परमात्मा में जीने लगते हैं और परमात्मा ही परमात्मा आप देखते हैं और वहां सब कुछ ऐसा है जिसको आप शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। जीव अवस्था में का व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। जैसे लिखा है ना एक गीत में, मैंने जो गीत बनाया उसमें लिखा है, सत्य ऐसा है जिसको कोई ना जाने, माया में अंधे हुए लोग ना माने, गाऊंगा जीवन भर ये गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए ऋषि मुनियों के गिए, ढूंढ लाया हूँ वही सत्य में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। ये एक ऐसा सत्य है जिसको जान लिया भर किसी ने तो अमृतस्य पुत्र हो जाता है, अमृत का पुत्र हो जाता है, अमर हो जाता है। और जिसने नहीं जाना वो अपने आप को मरने और जन्मने वाला समझता है। तो जिसने इसको जान लिया उसने सब जाना। जैसे कबीर साहब कहते हैं, एक जाने सब होते, सब जाने नहीं होते। आप सब पूरा संसार का साइंस और टेक्नोलॉजी और आप फिर सब कुछ जान लो, आप समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, लेकिन यदि आपने अपने अंदर मौजूद परमात्मा को नहीं जाना तो वो ऐसा हो जाएगा कि आपने कुछ जाना ही नहीं है। क्योंकि सपने का जानना भी कोई जानना है भाई, सपने तो मिथ्या है। तो परमात्मा को जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक आपने कुछ नहीं जाना, और यदि आपने परमात्मा को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। तो जब परमात्मा को आपने जाना तो ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को जान लेता है वो सब जगह परमात्मा ही उसको नजर आता है और परमात्मा से वो कभी अलग नहीं होता। परमात्मा को वो नजर आता है और उसको परमात्मा उसको देखते हैं और वो उसको देखता है। जिससे नई नई शादी होती है, दूल्हा दुल्हन को देखता है, दुल्हन दूल्हा को देखती है, दोनों मगन हो जाते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा दुल्हन राम की, मैं तो दुल्हन राम की दुल्हन। ऐसे जो जीव होता है वो परमात्मा शिव में ऐसा समाहित हो जाता है कि उसे परमात्मा और उसमें कोई अंतर रहता नहीं। और जब इसी अवस्था में वो आ जाता है तब क्या होता है,
ना वो तो परमात्मा के लिए गायब होता है ना परमात्मा उसके लिए गायब होता है। अभी तो तुम्हारी ये स्थिति है कि तुम्हें संसारी सत्य दिखता है, तुम परमात्मा के लिए गायब हो और परमात्मा तुम्हारे लिए भी गायब है ना। तुम हमारे तो हम भी तुम्हारे, और तुम हमारे नहीं तो हम भी तुम्हारे नहीं। ऐसे परमात्मा का तो तुमने बिल्कुल ही एक तरह से तुम्हारे तो एक स्थिति कर रखी है कि लास्ट प्रायोरिटी पर रख रखा है परमात्मा को। जैसे भोजन करने के बाद वो देते ना अपन सौंफ सुपारी दे देते हैं, ऐसे सौंफ सुपारी भी ठीक है, वो भी नहीं रखी तुमने परमात्मा के लिए, उतना भी नहीं रखा तुमने। इसलिए जब तक तुम परमात्मा के लिए नहीं जियोगे, जब तक परमात्मा तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी में नहीं होगा, तब तक ये सूत्र तुम्हारे समझ में नहीं आ सकता है। ये सूत्र तो तभी समझ में आएगा जब तुम परमात्मा के लिए जियोगे और परमात्मा के लिए को जानकर परमात्मा हो जाओगे, जानत तुम ही हो जाओगे, है ना। जैसे कहा है ना कि जिन्हें न चाहिए कछुक कभी, तुम सन सहज सने रामचंद्र तिन के हृदय बसहु बसहि जइगे। भगवान के अलावा तुमने अगर कुछ भी चाहा, चाहा शब्द यहाँ ठीक नहीं है, फिर भी मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, लेकिन अगर भगवान के अलावा तुम्हारी कोई प्रायोरिटी रही, वन सेकंड थर्ड कोई भी रही, तो तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक तुम प्राणों से नहीं पुकारोगे, संपूर्णता और समग्रता से परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलोगे। तुमको सब कुछ झोंकना पड़ेगा, तुमको एक जीवन तो देना ही पड़ेगा परमात्मा के लिए। जैसे स्त्री अपना एक जीवन अपने पति को दे देती है और फिर पति उसके शरीर में से उसकी संतति उत्पन्न करते हैं, इसी तरह से तुम्हें परमात्मा को अपना जीवन देना पड़ेगा, तब तुम इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। जगत में रहने को, नौकरी करने को मना नहीं करता। जीवन देने का मतलब ये नहीं कि तुम घर द्वार छोड़ के चले आओ, जीवन देने का मतलब है कि सद्गुरु के मार्गदर्शन में नियम पूर्वक और तुम साधना करो और तुम्हारे प्राणों में परमात्मा का प्रेम वैसा ही बचता रहे जैसा कि तुम्हारी सांस चलती है। इसलिए कहा है कि श्वास श्वास पर हरि सुमर, वृथा श्वास न खोए, ना जाने यह श्वास का आवर होए ना होए। इसका मतलब ये सोहम हंसा का मंत्र जपना नहीं है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक श्वास पर तुम जागो, एक श्वास भी ऐसे नहीं होना चाहिए तुम बेहोशी में ले लो, अब कर्ता भाव में मत जाओ, हर श्वास में साक्षी रहो, है ना। तो भैया ये जो साक्षी का ध्यान है, ये ध्यान अपने को लोगों को पूरे संसार को सिखाना है, क्योंकि इसी से व्यक्ति शांत हो पाएगा, इसी से व्यक्ति स्वस्थ हो पाएगा, इसी से व्यक्ति आनंदित हो पाएगा, इसी से व्यक्ति उस परम तत्व को प्राप्त कर पाएगा। और नहीं भी प्राप्त हुआ, अगर साक्षी का थोड़ा बहुत भी वो ध्यान करना सीख गया, तो कम से कम परिवारों में तो शांति हो जाएगी, काम क्रोध से तो छुटकारा हो जाएगा, पत्नी को धमाधम कूटेगा तो नहीं, और पत्नी पति का आपस में संबंध तो नहीं बिगड़ेगा, माँ बाप जो है बच्चों को अच्छे से पालन तो कर सकेंगे, डॉक्टरों के पास जाके पैसा तो नहीं भरना पड़ेगा, वकीलों और पुलिस वालों और अदालत में जाके समय तो बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए साक्षी का ध्यान तो बहुत जरूरी है, और इस ध्यान को यदि सीखना है तो 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में प्रातःकाल शिविर है, उसमें आप लोग चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपकी इच्छा है। शुभ।